मेरिट्स ऑफ परसिस्टेंस, क्या मेरिट्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं और क्या फ़ायदे हैं परसिस्टेंस के, लोगों ने क्या क्या हासिल कर लिया परसिस्टेंस से, और जो लोग परसिस्टेंस की राह पे हमवार नहीं हो सके उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या लेक किया। हम मिसाल लेंगे उन एथलीट्स की, उन क्रिकेटर्स की और उन स्पोर्ट्समैन की जो परसिस्टेंट रहे अपनी सेहत को लेकर, अपनी फिटनेस को लेकर और अपने गोल्स को लेकर, और आज से 10 साल पहले वो कहाँ थे, आज 10 सालों के बाद वो किन मंजिलों पे पहुँच गए। तो परसिस्टेंस ना सिर्फ एथलीट या किसी स्पोर्ट्समैन की लाइफ में इम्पॉर्टेंट रखता है, बल्कि सिमिलरली ये एक सेलिब्रिटी की लाइफ में, एक स्टूडेंट की लाइफ में, एक प्रोफेशनल की लाइफ में, एक कोई भी इंडिविजुअल की लाइफ में ये उसी तरह ही इम्पॉर्टेंस रखता है। अगर आप परसिस्टेंट होंगे अपने गोल्स को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, तो आपकी लाइफ जो है बहुत ही एक वेल कोड ऑफ कंडक्ट में शेप्ड अप होगी, और जब वो वेल कोड ऑफ कंडक्ट में शेप्ड अप होगी और अच्छे तरीके से वो मैनेज हुई हुई होगी, शेप्ड अप होगी, तो आपकी क्रेडिबिलिटी लोगों के बीच में, लोगों के दरमियान बढ़ेगी। जब आपके की क्रेडिबिलिटी लोगों के दरमियान बढ़ेगी और जब लोगों को ये रियलाइज़ होगा और जब वो समझेंगे कि आप एक क्रेडिबल इंसान हैं, आप एक ट्रस्टवर्दी इंसान हैं, आप एक रिलायबल इंडिविजुअल हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए क्या एडवांटेज हासिल होगा कि लोग आप पे ट्रस्ट करना शुरू करेंगे, क्योंकि आप परसिस्टेंट होंगे, लोगों को पता होगा ये जो कहेंगे वो ज़रूर करेंगे, ये जो बात कर रहे हैं इनके पीछे ज़रूर रिसर्च होगी, और जो चीज़ ये सोच रहे हैं यकीनन इसके पीछे कोई बैकग्राउंड नॉलेज होगा। तो परसिस्टेंट आदमी की ये पहचान है। एडवांटेजेस ऑफ बीइंग परसिस्टेंट, जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि मेरिट्स क्या हैं आखिर परसिस्टेंट होने की, तो जब आप परसिस्टेंट होते हैं तो आपको महसूस होता है कि आपकी ज़िंदगी जो है सुबह 8 बजे, 6 बजे, 7 बजे, जब भी आपकी ज़िंदगी सुबह आपका आगाज़ होता है, आप अगर परसिस्टेंट होते हैं, आपको एहसास होता है कि आपकी ज़िंदगी कितने अच्छे, बेहतर और मुस्तकिल वे में अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हुई हुई है, मैनेज हुई हुई है और तरीके से चल रही है। और जब ये आपको रियलाइज़ होता है तो ये आपको डायरेक्ट सेल्फ़ कॉन्फिडेंस ये चीज़ देती है, और जब आपका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है तो आपका सक्सेस रेट जो है वो बढ़ जाता है और उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। जब आप परसिस्टेंट होंगे तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा, और जब कॉन्फिडेंस आएगा तो आप सक्सेसफुल एक इंसान बनेंगे, और जब आप एक सक्सेसफुल इंसान बन जाएंगे तो फिर आपके लिए ज़िंदगी में और भी बहुत सी राहें खुलेंगी, बहुत सी डिफरेंट पाथ्स आपके लिए हमवार होंगी और बहुत से डायरेक्शंस आपको खुलेंगे और आपकी ज़िंदगी आसान से आसान होती चली जाएगी। और ऑन द अदर हैंड, जब कोई भी इंसान परसिस्टेंट नहीं होगा और डायरेक्शन लेस होगा और उसको पाथ लेस होगा और वो चीज़ों को नहीं समझ रहा होगा या अपने स्टेप्स को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर रहा होगा, तो वो हमेशा भटका हुआ रहेगा, परेशान रहेगा, प्रॉब्लमेटिक रहेगा, और अपने जो टास्क को और अपने कामों को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाएगा।